हाय गाइस, ये मेरा घर है। मैं एक किराए के मकान में रहती हूँ। छोटा सा है पर ठीक है। ये टीवी चल रही है। ये सामने बनाया है लकड़ी के, उसके पुट्ठे से बनाया है। मेरी बेटी ने बनाया है ये। हाँ, उसको काफ़ी शौक़ है ड्राइंग करने का। और है ना, क्या नाम है, ये मूर्ति बनाने की। ये देखो, मूर्ति रखी है वहाँ, बुद्ध भगवान की मूर्ति रखी है। और उसको यानी कि ना बहुत ही शौक है हर चीज़ में, चाहे से मूर्ति बनवा लो बस गाइस आप। तो बस है ना, बस दोस्तों, उसको इतना शौक़ है कि हर चीज़ में, कह नहीं सकती मैं। पर उसको कभी कभी लगता है कि है ना, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, रहना चाहे ज़िंदगी में कुछ कुछ चीज़। हाँ, ऐसा ही सोचती है वो। आप बताइए दोस्तों, आप कैसे हो? बढ़िया? और बढ़िया ही होना चाहिए आपकी लाइफ। अपनी अपनी लाइफ जीजिए, बस बिंदास हो, मज़ा आ जाएगी। मैं खाना बना रही हूँ अभी इस टाइम पे। क्या है कि ना, आज मैं लेट उठी हूँ और खाना बना रही हूँ, तो लेट भी हो चुकी हूँ। 11:30-11:12 का टाइम है। मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वीडियो बना के मैंने की गाइस आपको मैंने की डाली दूँगी। और सुनाइए, आप कैसे हो? बढ़िया। मैंने तो आज नमकीन चावल बनाए हैं, ये देखिए। मैंने तो आज नमकीन पुलाव बनाए हैं। मैं बस अभी थोड़ी देर बाद है ना, मेरा और भी काम पड़ा है। मैं बस अभी नहा के आई हूँ, जस्ट अभी नहा के आई हूँ। मैंने अभी पूजा वगैरह करके मैंने ला थोड़ा सा मैंने नाश्ता पानी बना लें, फिर उसके बाद मैं खाना बनेगा। 2:30 बजे टाइम पर खाना बनता है। बच्चे कह रहे थे मम्मी कुछ बना लो, तो मैंने क्या बना लूँ, मैं सुबह के टाइम पर समझ में नहीं आता है। मैंने कहा मैं थोड़े से मैंने पुलाव बना लूँ। आज मैं बनाऊँगी सब्जी। आज मैं मटर पनीर की सब्जी बना रही हूँ। मटर पनीर की सब्जी में थोड़ी सी पूड़ी सीख जाएंगी। बच्चे कह रहे थे मम्मी यहाँ संडे है, मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने ये कुछ शॉर्ट ही ऐसा कुछ बनाया है जो जल्दी भी बन जाए, टाइम ही ना लगे। तो मैंने कहा मैंने थोड़ी सी मैंने सब्जी मटर पनीर की सब्जी पूड़ी सीख लूँगी। बस गाइस, अब थोड़ा सा काम पड़ा है पूरा, और है ना थोड़ा सा काम पड़ा है, और थोड़े से ना मेरे सारे बर्तन पड़े हैं मेरे। ये देखो, ये गाइस में थोड़े से ये बर्तन पड़े हैं, थोड़े से बस बर्तन साफ करूँगी मैं अभी। और फिर अभी थोड़ा सा और काम पड़ा है, बस अभी कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, बस हो जाएगा बारी 1:30 बजे तक मैं निपट जाऊँगी। और सुनाइए, आप कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया ही होना चाहिए, सर्दी काफ़ी पड़ रही है। यहाँ तो इतना पानी है कि पानी बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। इतना पानी आया कि ना पूरे दिन गीला 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 किचकिच का किचकिच हो रहा है पूरे दिन, और ना तो कपड़े सूख रहे हैं बिल्कुल भी। इतना लग रहा है कि कहीं अगर जाना भी चाहे, शॉपिंग भी मुझे करने जाना है, क्योंकि मकर संक्रांति आ रही है, मुझे शॉपिंग करने भी जाना है, पर ये पानी के मारे में निकल भी नहीं पा रही हूँ। ठंडी काफ़ी, बहुत ज़्यादा ठंडी है, और बाज़ार हमारे घर से काफ़ी दूर है। मैं ज़्यादातर है ना पैदल ही शॉपिंग करती हूँ, गाड़ियों में मैं कब जाती हूँ, क्योंकि पैरों को भी थोड़ा एक्सरसाइज की जरूरत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा मैंने आज मैं होप मैम की आज मैं अपनी थोड़ी ना वीडियो बना लूँ, थोड़ा मैंने खाना पीने पीने के बना लूँ। मैं ऊपर छत पर जा रही हूँ धूप लेने के लिए। अब मुझे ऊपर से बुलावा आ रहा है, अब मैं जा रही हूँ। ठीक है, आप भी चलिए धूप लेने के लिए। ठंड काफी बहुत पड़ रही है। ये हमारी मकान मालिक की बहू है। हेलो, हाय। ये ज्योति है। कोई बात नहीं है गाइस, कोई बात नहीं है, अपनी अपनी मर्जी है। चलो अपन तिमंजला पे चले धूप लेने के लिए। देखो कितनी भरी बाल्टी रखी है कपड़ों की, इसको ले जाना पड़ रहा है छत पे, धूप में डालूंगी इसको। अब हम छत पे आ चुके हैं। जी हमारी नन्नो है, जो मैंने आपसे मिलवाया था, उनकी बहू की बेटी है। इंट्रोडक्शन करवा रही हैं। ये नन्नो है भाई। नन्ना, ये है रिचा मैडम जी, जी इंजीनियर की पढ़ाई कर रही हैं।
कृपया इनके लिए दुआ कीजिए हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा आप इनके लिए दुआ कीजिए जहाँ की जॉब लग जाए। ये हमें मकान मालिक नहीं है। हाय बोल दो, चाय बोल दो। हाय दादी, हम और दादी एक संगे रहती हैं नीचे। दादी आए बोल दो। ओ गाइस, आप कैसे हो? बढ़िया। कितनी अच्छी धूप आ रही है देखो। बस अभी मैं बाल खोलूँगी, सिर सुखाना है मुझे, ठंड काफ़ी है। 2:30 का टाइम हो चुका है। बस सब बढ़िया, खाना वगैरह खा पी के ऊपर आए हैं। बस अभी धूप ले रहे हैं, हाथ सिर धोया है। बताया था मैंने आपको आज धूप लेने जाऊँगी मैं छत पे। बस अभी धूप लेती हूँ।